पैरा नंबर एक हमारे पास है पैरा नंबर स्पीक इस तरह। अब इनके बगैर अल्फाज कंप्लीट नहीं होते। लोग दुनिया में करते हैं या तो कितने परसेंट, 20% लोग इसको सही से करते हैं और 80% इसको लोग करते हैं कि है हमारे पास दुरुस्त। और हमारे पास है गलत पैवर कौन से है, वो है ये कौन से, इस पैवर को वो करते हैं इस तरह से, इस पैवर को करते हैं वो इस तरह से, बेटे इसको भी कर देते हैं वो इस तरह से। 1 2 3 जब क्योंकि मैं मिस आयशा के टॉपिक पे आता हूँ, पहले जब हम सल्तनत लिखेंगे या गवर्नमेंट लिखेंगे या अहमियत लिखेंगे या फोकियत लिखेंगे, ऐसे अल्फाज जहां पर ये पैमन के बगैर अल्फाज सही नहीं होता। जैसा कि देखें मिस ने तोने के बाद इस शेर को बना दिया। अच्छा अगर ऐसे नहीं बनाया तो बाद में लोग जब लिखते हैं गवर्नमेंट तो ऐसे करने के बाद कैसे बनाते हैं, ये पैमन गलत आ गया। हालांकि ये पैमन जो होता है गाफ रे बी ये देखो जुड़ गया, जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये है अल्फाज की सही से बना, ठीक हो गया। अब ये रही इस पैमन की दूसरा पैमन, बच्चे या टीचर्स क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं जो कि ये गलत है, क्योंकि अगर हम लॉजिक करें मतलब ये देखें ना मैं इसको बता देता हूँ, मिस का सर गलत, अगर हम लोग जब लिखते हैं ना अगर टीचर लिख देते हैं जी ऐसे तो ये गलत है। जब जो होता है अगर हम लॉजिक करें तो ये जीन की आधी शक्ल है और ये भी बेपूरा, समझ आ गई ना। तो यहां से जब जीन को हम जोड़ेंगे तो फिर ऐसे करेंगे, ये एक्स्ट्रा पैमन है ना तो लोग इसको ऐसे जोड़ते हैं। हम कहते हैं पैमन को इसको जोड़ने से पहले आप पैमन का सवाल करें, ये देखो ये जोड़ा ये जब किताब के अंदर जब ऐसे होगा किताब के अंदर गवर्नमेंट ऐसे होगा, ठीक हो गया। फिर रही बात तीसरा पैमन, जब हम लोग बनाते हैं अक्सर स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं, हमेशा हमारी हिम्मत के अल्फाज ऐसे बनाते हैं जो कि गलत है। हम जब भी बनाते हैं तो पहले मद बनाते हैं, इन अल्फाजों को शुरू करने से पहले मद शेप का इस्तेमाल किया जाता है, पहले मद शेप यानी पैम नंबर 3 बनाते हैं, बन गया ये लास्ट। ये जो पैमन है इनका इस्तेमाल आपने करना होता है अपनी लाइफ के अंदर, करते हो लेकिन ऐसे करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैमन कहाँ कहाँ कैसे यूज होते, सारा एक दिन में थोड़ी बनाऊंगा चलता हूँ ना बाकी कि ये पैमन किन अल्फाजों में जुड़ता है, किस मिसाल कहाँ जुड़ता है, ये कहाँ जुड़ता है, ये कहाँ जुड़ता है, ठीक है। तो ये सारे पैमन हम शेयर करेंगे, ये न्यू चीज़ है, हम इस आयशा को आगे लेके जब चलेंगे अब बताओ ये कहाँ यूज होते हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इसको आप आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, आपने पैमन नंबर 1 के एक पेज लिख कर आना, उसे अल्फाज का भी ये पैमन यूज होगा, अल्फाज पेज बना कर आना, इसका भी एक पेज लिख कर इसमें ये पैमन यूज होगा, इसका भी एक पेज बना कर इसमें ये पैमन यूज होगा, ठीक है। तो बनाकर आइएगा इंशाल्लाह फिर करते हैं।